विश्व 24 न्यूज, हर पल आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब अध्यक्ष जनाधिकार पार्टी, जनाब शौकत अली साहब अध्यक्ष मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश, मोहतरम जनाब शेर अफगन साहब जो विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं, और राजेश प्रजापति साहब जो जन अधिकार पार्टी अयोध्या विधानसभा से उनके प्रत्याशी हैं, जिनका निशान गैस का सिलेंडर है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मीटिंग में शिरकत की। ये इस विधानसभा की आखिरी मीटिंग है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे अपील करने आया हूं कि 27 तारीख के दिन आप तमाम लोग सुबह के अवलीन वक्तों में अपने घर से रवाना होकर जनाब शेर अफगन साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं, जिनका निशान पतंग है, उस पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद का, अपने सियासी शऊर का और हिस्सेदारी की लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जिसका मजलिस भी हिस्सा है, हमने तय किया कि अगर आपके आशीर्वाद, आपकी दुआएं साथ रहेंगी तो इंशाअल्लाह ताला अगर सत्ता मिलेगी। भाई साहब आप रुक जाइए, इधर मत हटिए, इधर हट जाइए, हट जाइए। और हमको इख्तदार मिलता है तो हमने तय किया कि जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को 2.5 साल के लिए पहला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और 2.5 साल के लिए दलित समाज से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये भी तय किया गया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे, जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान होगा, एक निषाद समाज से एक डिप्टी CM होगा और एक अति पिछड़ा समाज से डिप्टी CM बनाया जाएगा। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी लड़ रहे हैं। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए। अब लोग हमसे कहते हैं यहाँ पर आए जब कि सर समाजवादी ये बोल रही है, BJP ये कह रही है, माने समाजवादी पार्टी के लिए भी हम दूल्हे हैं, BJP के लिए भी हम ही दूल्हे हैं। ना समाजवाद के पास कोई मुद्दा है, ना योगी और मोदी के पास कोई मुद्दा है। अगर कोई मुद्दा है तो सिर्फ ओवैसी है। अखिलेश को भी रात में ख्वाब में हम ही नजर आ रहे हैं। आपने, इस विधानसभा की जनता ने, क्या आपने 10 साल समाजवादी को यहां पर मौका नहीं दिया? दिया ना आपने? भाजपा को भी दिया 10 साल, क्या मिला आपको? नहीं, क्या मिला? अब समाजवादी के लोग हमारे जाने के बाद आज रात से और कल रात तक जिस तरह शैतान खुस करता है ना, तो ये पूरे इबलीस की औलाद, ये बोलेंगे ओवैसी तो भड़काव भाषण देकर चला गया, नौजवानों को जज्बात में लाया, मगर BJP को कौन रोकेगा? याद रखो, BJP को ओवैसी और कुशवाहा रोकेंगे इंशाअल्लाह होता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश BJP को नहीं रोक पाएंगे, बहन मायावती BJP को नहीं रोक पाएंगी। इसलिए नहीं रोक पाएंगी कि हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए। 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने सपा बसपा को वोट नहीं दिया, फिर BJP कैसे जीत गई? हम थे यहां पर। 2017 के विधानसभा में अखिलेश और राहुल मिलकर लड़े, वो गाना बनाया था कि UP को इन बच्चों का साथ पसंद है, फिर क्या हुआ, योगी कैसे बन गए? 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव आया, बहन मायावती अखिलेश मिलकर लड़े,
65 लोकसभा की सीट पर बीजेपी जीत गई। हम नहीं लड़े, कैसे जीती बीजेपी? क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था? हाथ उठाकर बताइए किसने बीजेपी को वोट नहीं दिया। डरिए मत, वहां भी उठाइए। अब आप जब हाथ उठा चुके हैं, आपको यह फैसला करना जरूरी है कि 27 तारीख को आपकी वोट की अहमियत क्या है। आपके वोट की अगर अहमियत जताना है तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप शेर अफगन को कामयाब करिए। ये शेर है जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा और शेर की तरह आपके हक के लिए लड़ेगा। अखिलेश यादव से परिवारवाद, यादववाद की बात करते हैं, उनके पास कोई दूसरा नजर नहीं आता। अच्छा, हम यहां पर हमारी सभा हुई थी आज से 3 महीने पहले 5 महीने पहले, हमने एक ब्रिज का जिक्र किया था, काम हुआ ना उसके ऊपर? नहीं हुआ। फिर भी आप भी बस बीजेपी को सपा को सोचेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस विधानसभा में विकास भी कराए, जो बीजेपी और सपा को हराए। और हमारी बात को याद रखिए कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, ये राम और श्याम की जोड़ी है, एक सिक्के के दो रुख हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें कोई फर्क नहीं है। हमारी माँ और बहनें यहाँ पर माशाल्लाह से हिजाब और निकाब पहनकर बावकार तरीके से बैठी हुई हैं। और जो लोग समाजवादी की वोट डालने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अखिलेश का हिजाब और निकाब पर अखिलेश का क्या मौकफ है? बताओ, क्या मौकफ है अखिलेश का? जब एक न्यूज रिपोर्टर ने अखिलेश से उनकी बस के ऊपर चढ़कर पूछा, बताइए हिजाब और निकाब, तो कहा सुनाई नहीं दे रहा है। जब उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो तुमको क्यों सुनाई दे रहा? जब उससे पूछा गया मुस्लिम मतदान, तो कहा गया नहीं सुनाई दे रहा है। जो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, दो तरफा होना चाहिए मोहब्बत। ये एक तरफा मोहब्बत कब तक करेंगे आप? थाली एक हाथ से नहीं बचती, दो हाथ से थाली बचती है। अगर आप याद रखिए, एक तरफा मोहब्बत आप कर रहे हैं, अखिलेश को आपसे मोहब्बत नहीं है। अखिलेश इस बात को जानते हैं कि आप उनके कैदी हैं, इनको योगी मोदी का डर दिखाओ, ये डर कर वोट देंगे मुझे। हम आपसे क्या कह रहे हैं, डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर शेर अफगन के पतंग के निशान पर बटन दबाइए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि डरने की बुनियाद पर नहीं, बल्कि बेखौफ होकर मंजलिस के परचम को लहराओ और यहां से अपने विधायक बनाकर इसको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजाओ। मैं आपसे कहने को आया हूं, मैं आपको पैगाम देने आया हूं कि आप किसी इंसान से मत डरिए, आप किसी प्रधानमंत्री से मत डरिए, किसी मुख्यमंत्री से मत डरिए, किसी ओवैसी से मत डरिए, किसी अखिलेश से मत डरिए। अगर डरना है तो जमीन और आसमान के खालिक से डरो, मखलूक से मत डरो, खालिक से डरो। अखिलेश का डर, मोदी का डर, योगी का डर, अरे डर डर कर कितनी घुटन की जिंदगी गुजारोगे? दुनिया में आए हैं तो एक ही जिंदगी है, मौत बार बार नहीं आती है। अगर वो 4 गोलियों में से 2 हमको लग जाती तो हम चले जाते, मगर अल्लाह को मंजूर नहीं था। जब जिंदा है तो जिंदगी का सबूत दो, और जिंदगी का सबूत यह है कि तुम सच्चाई का और हक का साथ दो। जो लोग आज समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से कह रहे हैं कि हिकमत का तकाजा है कि समाजवादी को और दो, मैं उनसे पूछ रहा हूं, तुम्हारी हिकमत नाकाम साबित हुई 2014 में, तुम्हारी हिकमत नाकाम साबित हुई 2017 में, तुम्हारी हिकमत नाकाम साबित हुई 2019 में। अब बहादुरी का तकाजा यह है कि तुम ओवैसी और कुशवाहा का साथ दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यूएपीए कानून जिसको अमित शाह लेकर आए थे, क्या समाजवादी पार्टी ने
और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर और बसपा ने मिलकर क्या यूएपीए कानून की तायीद नहीं की? वो कानून ये कहता है कि दिल्ली में बैठा हुआ कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर आपकी विधानसभा के किसी एक बच्चे का नाम शेर अफगन होगा तो उसको टेररिस्ट घोषित कर दे सकता है। वो कानून के तहत आज भारत की जेलों में नौजवान सड़ रहे हैं तीन तीन चार चार साल से। अखिलेश यादव ने, बसपा ने, कांग्रेस ने अमित शाह का साथ दिया, कौन उसकी मुखालिफत किया? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील है। आप उठाकर देख लो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड। आज समाजवादी के लोग हमारे गांव हमारे घर के पास आकर कहते कौम 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 कौम, ये कौन सी कौम की मोहब्बत है जब तुम हमारे बर्बादी के कानून में तायीद करते हो? ये कौन सी कौम की मोहब्बत है कि तुम अमित शाह का साथ देते हो? मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से, बताओ ये मेरी बात सच है या झूठ है? ट्रिपल तलाक का कानून तीन तीन मरतबा आया, कौन उस ट्रिपल तलाक कानून की मुखालिफत किया और कहा कि भारत के संविधान के खिलाफ है? किसने कहा था ट्रिपल तलाक के बारे में? अखिलेश ने क्या कहा मालूम आपको? ट्रिपल तलाक का कानून है, हमारी शनाख्त को कमजोर किया जा रहा था, हमारी मां और बहनों से नाइंसाफी का कानून मोदी ने बनाया। तो अखिलेश अपने भाषण में पार्लियामेंट में कहा मैंने लखनऊ से आगरा रोड बनाया। कानून ट्रिपल तलाक का है और भैया बात कर रहे हैं लखनऊ आगरा मैंने रोड बनाई। यही तो मामला है, एक तरफा मोहब्बत अब नहीं चलेगी, एक तरफा मोहब्बत। अच्छा यहां कितने नौजवान है, कभी तुमने जिंदगी में मोहब्बत की? एक तरफा होती है मोहब्बत? अच्छा यहां जितने लोग आए आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलाए किसी ने पैसे देकर? किसी ने आपको पैसे देकर बुलाए? नहीं ना। यू लव मी, आई लव यू ऑल्सो। ये है दो तरफा मोहब्बत। समाजवादी बसपा की रैली में ए लाला दे पेट्रोल डाल कर, बसपा की रैली में राशन मिलेगा, यहां कुछ नहीं है, यहां मोहब्बत है, दिल का मामला है, टू साइड लव अफेयर, इसको इश्क बोलते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे जाने के बाद इबलीस की औलाद आके बोलेगी ये मोहब्बत ज्यादा बढ़ने मत दे। हम आपसे कहेंगे कि मोहब्बत बढ़ेगी जब तक अल्लाह हमको और कुशवाहा साहब को जिंदा रखेगा, हम इस मोहब्बत को आम करेंगे, मोहब्बत से दिलों को भर देंगे, उत्तर प्रदेश में नफरत की दीवारों को खात्मा करेंगे। दिलों को मिलाने का काम ओवैसी और कुशवाहा कर रहे हैं। अखिलेश, बसपा और बीजेपी सिर्फ अपने घर में चराग जलाना चाहते हैं, ओवैसी और कुशवाहा हर गरीब मजलूम को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हम सत्ता अपने लिए नहीं आपके लिए कह रहे हैं, आप नेता बनो, आप लीडर बनो। और इस विधानसभा का यह हक बनता है कि जिस पार्टी को आपने 10-10 साल मौका दिया अब उनको छोड़िए, शेर अफगन को कामयाब करिए, ये एक नए दौर का आगाज करिए। आपने सबको मौका देकर दे दिया, जोली भर भर कर खैरात में ओढ़ दिया, मगर क्या मिला? खड्डे मिले, रोड मिली नहीं मिली, स्कूल मिला नहीं मिला, अस्पताल मिला नहीं मिला, रोजगार मिला नहीं मिला, मान सम्मान मिला नहीं मिला, क्या मिला? सिर्फ डर डर कर, डर डर कर, डर डर कर। और ये इबलीस की औलाद अब ये भी कहेंगे देखो ये चुनाव जिंदगी मौत का है, बोलते हैं ना जिंदगी मौत का चुनाव। अरे भाई ये अब चुनाव हो जाएगा तो हम रोज मरेंगे, उसके बाद कोई नहीं आता हमारे जनाजे को खंदा देने के लिए। आज चुनाव आ गया तो जिंदगी मौत, क्या 2007 का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2002 का नहीं था? क्या 2017 का, 2012 का, 2019 का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? अरे उसके बाद फिर हम रोज मरते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम जब इस दुनिया में आए हो अपनी मां की कोख से तो तुमने अपनी जिंदगी, अपनी रिस्क
और अपनी इज्जत लिखा कर लाए हो। अगर कोई तुमसे कहेगा तुम मर जाओगे तो कहना उससे तू क्या खुदा है, कहना उससे एक दीवाना हमारे सामने आकर कहा कि उस पर चार चार गोलियां चलाई गई 6 फीट से, तब भी एक गोली उसके बाल को नहीं लगी तो कहां से मौत आएगी। और फिर बोलेंगे ओवैसी जज्बाती भाषण देता है, नौजवानों को जज्बाती करता है। हम करते हैं जज्बाती, हमको फखर है इस बात का। और वो नौजवानों को मैं सलाम करता हूं जो हमारे भाषण सुनकर जज्बाती हो जाते हैं। मैं उन नौजवानों के माँ बाप को सलाम करता हूं जिन्होंने ऐसे गयूर औलाद को, बेटी और बेटों को पैदा किया जिसमें जज्बात बाकी है। अगर किसी मासूम पर जुल्म हो रहा और तुम्हारी आंख में आंसू आए ना आए तो क्या वो जिंदगी की निशानी है, मौत की निशानी है, बताओ मुझे। अगर कोई बच्चे को मारा जा रहा है गैर जरूरी से तो तुम बचाओगे या उसको बोलेगे नहीं जिंदगी मौत का मामला है, घर के दरवाजे बंद करके बैठ जाओ। अगर किसी बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है तो क्या वो जिंदगी है या मौत है, बताओ। शिक्षा नहीं मिलना भी मौत है, रोजगार नहीं मिलना भी मौत है, राजनीति में हिस्सा नहीं मिलना भी मौत है, ठेकेदारी में हिस्सा मिलना भी नहीं मिलना मौत है, विधानसभा में तुम्हारी आवाज नहीं उठना भी मौत है। जिंदगी की बात तो मैं कर रहा हूं, हयात की बात मैं कर रहा हूं, आवाज को उठाने की बात बाबू सिंह कुशवाहा हम कर रहे हैं। ये लोग आपको डर कर खौफ दिलाकर घरों में बिठाने की बात कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि अपने घर के दरवाजों के साथ साथ अपने दिल के दरवाजे को खोलो। अपने दिल में जो दस्तक दे रहा है तुम्हारा दिल कि अब वक्त आ चुका है हिस्सेदारी का, साथ दो पतंग का, ओवैसी का और कुशवाहा का। एक मरतबा अपने दिल पर यकीन कर लो, एक मरतबा अपने दिल पर यकीन कर लो। याद रखो, दिमाग से पूछेंगे तो दिमाग बोलेगा सपा बीजेपी, जब दिल से पूछेंगे तो दिल क्या बोलेगा, दिल क्या बोलेगा, दिल बोलेगा प्यारे प्यार किया तो डरना क्या। ये एक तरफा मोहब्बत नहीं है, हाँ मोहब्बत जिंदाबाद, चाचा मुगले आजम के दौर के हैं, वेरी गुड चाचा, मोहब्बत जिंदाबाद, नफरत मुर्दाबाद। और फिर अब बीजेपी के बारे में आप देखिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, हमने कहा था कि पता देखिए अब रिपब्लिक हम पर कैमरा लगा दिया, प्रधानमंत्री पर बोलते ही तैयार क्योंकि इनके प्यारे का जिक्र हो रहा। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सांड चुट्टा जानवर, मैं 10 मार्च के बाद इसका हल निकालूंगा। प्रधानमंत्री 5 साल क्या चाय पी के सो गए थे आप? प्रधानमंत्री ने क्या कहा 10 मार्च के बाद? अच्छा 70 लाख नौकरियों का वादा बीजेपी ने 5 साल पहले किया था नहीं किया था? अब प्रधानमंत्री ने एक नया आइडिया दिया कि नौकरी छोड़ो, ग्रेजुएट बच्चे जो रात में पढ़ पढ़कर गरीबी में पढ़कर एग्जाम लिखने जाते उनका पेपर लीक हो गया, तो प्रधानमंत्री ने कहा बेटा बेटी फिकर मत करो, तुम्हारी डिग्री तुम कचरे कुंडी में डाल दो, मैं तुमको गोबर से इनाम दूंगा। गोबर लो पैसा कमाओ, क्या दिमाग है? आप कह रहे हैं कि चुट्टा सांड रात में फसल खा ले के बर्बाद कर देता है, तो प्रधानमंत्री ने कहा भाइयों बहनों ये मोदी ही नहीं किया, एक किसान को मैंने 2 नौकरी दे दी। किसान बोला 2 नौकरी? हाँ, तुम दिन में मेहनत करो, रात में जाकर अपनी फसल की हिफाजत करो, ये भी मैंने किया, क्या दिमाग है। तो बाबा ने कहा हैं, बादशाह सलामत ने कह दिया तो वजीर को भी कुछ कहना पड़ेगा, तो वजीर ने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया खुदा ना खास्ता तो मैं 1 सांड और 1 गाय के ऊपर 900 रुपये दूंगा, अस्पताल के लिए पैसे नहीं,
कोविड में ऑक्सीजन के लिए पैसे नहीं, डॉक्टरों की भर्ती के लिए पैसे नहीं, नौकरियों की भर्ती के लिए पैसे नहीं, तो योगी ने कहा एक सांड के ऊपर 900 रुपये। अब आप सुनिए इनकी नाइंसाफी, तकलीफ होगी आपको। उत्तर प्रदेश में जो विकलांग लोग हैं, अपाहिज हैंडीकैप, उनको महाना जो पेंशन मिलता है 1000 रुपये, इंसान जो विकलांग है 1000 रुपये, और अगर कोई सांड रखेगा तो उसको 900 रुपये। क्या ये इंसानों की तौहीन नहीं है? तो क्या आप इजाजत देंगे कि मैं बाबा को पैगाम दूं इस विधानसभा से? हम बाबा को थोड़ा ज्ञान दे दें? हम बाबा से कहना चाह रहे हैं, बाबा एक इंसान जो विकलांग है उसको 1000 रुपये और एक चार टांग के जानवर के लिए 900 रुपये, तो बाबा आप जानवर का ओट ले लो, हम विकलांग का, इंसानों का ओट लेते हैं। आप बताइए कौन सा इंसाफ? अब मोदी जी कह रहे हैं कि जिसको राशन मिला वो मोदी का नमक खाया। अब बताओ इस विधानसभा के गयूर आवाम, मीडिया के लोग भी सोच लो, क्या तुम देश का नमक खाए या मोदी का नमक खाए? किसका नमक खाया आपने? मोदी का तो नहीं खाए ना। अब मोदी जी बोल रहे कि मेरा नमक खाए, और फिर ये कह रहे कि मैंने राशन दिया, राशन दिया। अरे 500 रुपये का जब राशन किसी महिला को दिया तो क्या उस महिला से जाके पूछो 1400 रुपये का सिलेंडर भी तो खरीदना पड़ा? ये 500 दिया मोदी ने और 1400 खींच लिए, तो मोदी का तो फायदा हो गया ना, फायदा हो गया ना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहे हैं कि 27 तारीख के दिन डरिए मत। डरेंगे आप? डरेंगे आप? डरेंगे? डरेंगे? और अगर इबलीस की औलाद आकर, अरे इबलीस की औलाद आकर बोलेगा डर, देखो डर है, बीजेपी आ जाएगी, सपा बसपा, तो उससे क्या कहना आप? नहीं, वो बच्ची जो हिजाब और निकाब पहन के उसको गुंडाई घेर लिए थे, तो उसने कहा था जब मैं डरती हूं तो क्या नारा लगाती हूं, क्या नारा लगाती हूं? अरे इतनी ताकत से तो बोलो, दबा कर बोलो, झूम कर बोलो, मस्त होकर बोलो, ऐसा बोलो कि तुम्हारी आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजे। अब भागेगा इबलीस, अब बोलेगा आप कुछ नहीं हो सकता। आपको यह फैसला करना है, आप 1-5 साल हमको मौका दीजिए। शेर अफगन का कान एक तरफ हम पकड़ेंगे, दूसरी तरफ बाबूजी पकड़ेंगे। इनको विधायक बनाइए, हम कम से कम 6 महीने में एक मर्तबा यहां पर आएंगे इस विधानसभा में, वैसे तो आते रहेंगे। आई लव यू, यू लव मी, मैं तुमको चाहता हूं, तुम मुझे चाहते हो। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा वैसे ही आता रहेगा उत्तर प्रदेश में। कोई माइका लाल और गोली चला ले, कुछ भी कर ले, मैं अपनी, मेरी मौत मेरी जिंदगी की हिफाजत करती, मेरी जिंदगी की अहमियत कीमत नहीं है, आपका मुस्तकबिल है, आपकी जिंदगी है, हम आपको नेता बनाने को आए हैं, आप इसमें हमारा साथ दीजिए। ये आपकी लड़ाई है, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। आपका नेता कौन है बताओ मेरे को, कौन है आपका नेता? आपका नेता आप बनेंगे, जिसका नेता नहीं उसकी आवाज नहीं। ये सप्पा वालों से एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, रात भर नींद नहीं आएगी सप्पा वालों को। आजम खान अखिलेश के मंत्री थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री अखिलेश थे, अखिलेश बाहर है, आजम जेल में क्यों है बताओ? आजम जेल में है और मुख्यमंत्री बाहर क्यों है बताओ? सप्पा वालों, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अब एक और बात सुनो, एक और बात सुनो, महाराष्ट्र में नवाब मलिक जेल में, राष्ट्रवादी कांग्रेस का डिप्टी सीएम है, उसके खिलाफ इरिगेशन के स्कैंडल का इल्जाम है, वो बाहर है, नवाब मलिक जेल में है। क्या हो रहा है ये,
क्या तुम नहीं समझोगे इस बात को? तुम्हारा नेता होगा तो लड़ेगा, कोई आसमान जमीन से नहीं आएगा। समझो मेरे भाई, वक्त है अभी, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हिम्मत और हौसले से काम करो और 27 तारीख के दिन पूरे एतमाद के साथ पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी के लिए में अपने आप को कामयाब करिए। जिंदगी बाकी रही तो फिर आऊंगा, मगर आता रहूंगा, मैं तुम्हारे दुआओं का मोहताज, मैं आपके दुआओं का मोहताज हूं। मैं आपके दिल में सिर्फ छोटी सी जगह पाना चाहता हूं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपके दिलों में मंदरिस की मोहब्बत पैदा कर दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।